परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हमारा परमेश्वर रक्षक है, आज हमारी वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। आज हमें नहीं घबराना है किसी भी बात को लेकर। यदि आपके मन में कोई बात ऐसी है जो आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो खुदावंद आपको आशीषित करेगा। आपको बाहर निकाल करके खड़ा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके सिर में बहुत ज्यादा बोझ है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में हो सकती हैं। खुदावंद का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन शैतानी ताकत निकलती है। वो हर एक प्रकार की गरीबी आपके जीवन से निकलती है, वो हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज खुदावंद हमारा रक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छायावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हमें जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज हमारी दुआ को परमेश्वर कबूल करता है, आज हमारी दुआ को परमेश्वर स्वीकार करता है, आज हमारी आज्ञाओं को परमेश्वर मानता है। क्योंकि जो हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे बेटी के जीवन से, आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, जो आपका परमेश्वर कहता है, जो परम प्रधान के छायावे स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। कि हे परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखूंगा, क्या करूंगा, मेरा शरण स्थान गढ़ आप हैं, मैं आप पे भरोसा रखूंगा। क्या आज आप कहते हैं, यदि आज इस बात को आप कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं हर एक चीजों को सौंपता हूँ, हर एक चीजों को, अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपने जीवन को, अपने हर एक पढ़ाई लिखाई, हर एक चीजों को मैं सौंपता हूं पिता, आप मेरी मदद, आप मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है। यदि इस बात से आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको, आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तभी आप कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी आप डरेंगे नहीं। हर एक प्रकार की बीमारियों को आप सौंप दीजिए परमेश्वर के पास, हर प्रकार की परेशानियों को सौंप दीजिए, उठा करके डाल दीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या आज हम करते हैं? परमेश्वर ने तो कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। तुम क्यों डरते हो, क्यों भयभीत हो, क्यों अनेक प्रकार की बातें सोचते हो? खुदावंद का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह हमें हर एक प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाएगा। बहेलिए का जाल का मतलब, जैसे आज बहुत सारे लोग शिकार करते हैं किसी चीज को फंसाने के लिए, कोई काम जैसे मछली पकड़ना होता है तो उसके लिए चारा और कांटा डालना होता है, मतलब उसे जाल बिछा करके पकड़ना होता है। उसी तरीके शैतान आपको पकड़ता है ना, तो आपको जाल बिछाता है, वो बहेलिए के जाल, क्योंकि आपको फंसाना चाहता है शैतान, ताकि आप प्रार्थना न कर सके, आप परमेश्वर से विनती ना कर सके, आप परमेश्वर की बातों को ना सुन सके। शैतान ये चाहता है, और शैतान कुछ नहीं चाहता है, शैतान केवल ये चाहता है आपको दूर रखना चाहता है, कि आप उसकी बातों को ना सुने, उसकी बातों को ना सुने, उसके वचन को ना सुने, उससे प्रार्थना ना करें। और जीवन में आपको जो भी कुछ करना है, कितने भी गलत काम करना है, शैतान आपको कभी भी नहीं रोकेगा, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार से आपको शैतान रोकने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप भी अपने मन को एकाग्र करिए और प्रार्थना करिए, वचन को सुनिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। इसलिए भी कहा है कि मैं तुझे हर एक प्रकार की महामारी से बचाऊंगा, हर एक प्रकार की बीमारियों से, आप इस बात को याद रखिएगा। और हमें क्या करेगा परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में ले लेगा हमें। जब हमारे जीवन बीमारियां आती, समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की, कोई बड़ी से लेकर के छोटी बीमारियां, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की, तो परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में हमें लेता है। और प्रार्थना करते वक्त इन बातों को याद रखना, और तू ना रात के भय से डरेगा और ना उसके तीर से जो दिन में उड़ता है। परमेश्वर ने कहा, यदि आज रात में आपको ऐसा लगता है कि आपको भय लगता है, आपको डर लगता है, आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना रात को भय से डरेगा और ना दिन में जो शैतानी ताकत उड़ती है, ना तू उससे डरेगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है,
और मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तेरी सुरक्षा करता हूँ, तेरी देखभाल करता हूँ। यदि तू मेरी बातों को मानता है, मुझसे प्रार्थना करता है, मेरे वचनों को सुनता है, तो मैं तुझे बहुत सारी आशीष और हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की शैतानी ताकत के जालों से बचाने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसलिए खुदावंत का वचन आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तेरे निकट बहुत सारी शैतानी ताकत आएंगी लेकिन तुझे छू नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुख के अंत को तू देखेगा। आप अपने जीवन से जो दुख आपके जीवन में आज है, उसको अंत होते हुए, उसे खत्म होते हुए अपनी आंखों से आप देखेंगे। इस बात को याद रखना, विश्वास रखना, यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके जीवन से दुख निकलेगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मेरे जीवन में दुख था और अब नहीं है, क्योंकि आपने अपने आंखों से देखा और वो दुख खत्म हो गए आपके जीवन से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के स्थान में बैठा है, खुदावंत उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, परमेश्वर ने कहा है, आज से वादा किया है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन के हर एक एक पहलू को मजबूत करूंगा और हर एक चीजों में तेरी सहायता और मदद करूंगा। इसीलिए हमारे घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा। इस बात को हमें याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जे यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं।
हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलता इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से, दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया।